सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्टर जो को नेक्स्ट वीक में फोकस करना है, एंड कुछ स्टॉक देखेंगे कि जो काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा उनमें नेक्स्ट वीक में मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं, मैं पहले फायर्स के वेबसाइट पर जाता हूँ, वहाँ से थोड़ा एनालाइज करते हैं मार्केट के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, सेक्टर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा से सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे डिस्कस, उसके बाद फिर स्टॉक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्टर और स्टॉक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या लगता है। तो चलिए बात करते हैं, पहले सेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, एनएसई सेक्टर इंडाइसिस की बात करते हैं। तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ सर, मतलब 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जो आप मेरे वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे कि निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, और मैंने बताया था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है, ई लेवल के ऊपर भी निकल सकता है, इलेक्शन का जो हाई है इसके ऊपर निकल सकता है। तो आप देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो ये सेक्टर पर आपका फोकस होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया हमारा निफ्टी ऑयल गैस सेक्टर हो गया, दूसरा जो सेक्टर है वो सीपीएसई सेक्टर है, सीपीएसई सेक्टर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देखिए ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, सीपीएसई सेक्टर हो गया, मतलब आप देखिए कि जो भी रैली चल रही है वो सिर्फ कुछ पॉकेट्स में चल रही है, ठीक है, जो भी रैली चल रही है वो डिफेंस में चल रही है, रेलवे में चल रही है, और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रही है, एनर्जी में चल रही है, और बाकी कंज्यूमर उन पर अभी मुझे ठंडा लग रहा है, ठीक, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो हो गया, कंजम्पशन स्टॉक हो गया, वो काफ़ी ठंडे हैं, और जो मेजर फोकस है मार्केट का, जो रैली है, जो जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, जहाँ वॉल्यूम है, वो बेसिकली ये सब एरिया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, सीपीएसई हो गया, ठीक है। तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सीपीएसई भी काफ़ी अच्छा दिखे, ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा एकदम मूवमेंट दे रहा है, ये जो 43,000 का लेवल है, 43,084 को क्रॉस करेगा तो ये फ्रेश ब्रेकआउट देगा ये सेक्टर। उसके बाद पीएसई इंडेक्स की बात करते हैं, ये भी आप देखिए अच्छे लेवल पर एकदम खड़ा है, ठीक है, ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रही है। निफ्टी फार्मा, ठीक है, बट निफ्टी फार्मा बहुत ही अच्छा तरीके से, आप देखिए ये जो सेक्टर है, यहाँ से ये इसने ये रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दिया, वापस से ये इसको रिटेस्ट किया, फिर वापस ये ब्रेकआउट दिया, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है ये सेक्टर। निफ्टी फार्मा में भी आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, फार्मा, निफ्टी फार्मा हो गया। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ केयर भी वैसा ही दिख रहा है, उतना ही स्ट्रांग दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें हम, सो पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है मुझे, बिकॉज पीएसयू बैंक अभी तक इलेक्शन के जो गिरावट है उसको हाई को नहीं निकाल पाया है, तो पीएसयू बैंक मुझे लगता है थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। सो पीएसयू बैंक हो सकता है ये ब्रेकआउट देकर नेक्स्ट वीक इसको पार कर जाए, लेकिन और सेक्टर के मुकाबले ये सेक्टर मुझे थोड़ा सा उतना ज़्यादा हमको स्ट्रांग नहीं दिख रहा है उतना ज़्यादा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप काफ़ी अच्छा, ये यहाँ से ये 4 कैंडल यहाँ पे कितना अच्छा आपको दिख रहा होगा, कितना अच्छा सा प्राइजेशन काम करता है, आप देखिए 4-5 कैंडल यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद फाइनली ये ब्रेकआउट दिया, तो इंफ्रा जो इंडेक्स है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें, एफएमसीजी सेक्टर अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मुझे, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर वैसे भी काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है कि जब भी मार्केट गिरता है, जब भी मार्केट में कोई बड़ी बहुत फॉल आता है, बहुत बड़ा फॉल आता है, तो यहाँ पे जो रिस्क ऑन ट्रेड होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में हम देखिए अगर बहुत बड़ी गिरावट आ रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सब बहुत जो पैसा होता है वो डिफेंसिव स्टॉक में चला जाता है, तो डिफेंसिव स्टॉक हो गया, कंजम्पशन स्टॉक है, इसमें चला जाता है। तो एफएमसीजी भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे देखने में, और लेकिन और सेक्टर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इसके अलावा। उसके बाद अगर बात करें हम, उसके बाद अगर बात करते हैं हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंजप्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंजप्शन सेक्टर की बात करते हैं, तो ये भी आप देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, कंजप्शन सेक्टर हो गया। मेटल्स की बात करें हम, मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर भी काफ़ी आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, मेटल सेक्टर का काफ़ी फ्रेश ब्रेकआउट देने वाला है। मीडिया की बात करते हैं, सो मीडिया इज लुकिंग गुड, बट मीडिया मीडिया स्टॉक में मैं उतना, मतलब मुझे उतना कंफर्ट नहीं आता मीडिया में, क्योंकि समझ में नहीं आता उतना। ऑटो की अगर बात करें हम,
ऑटो सेक्टर भी देखिए काफ़ी बड़ा रैली दे रहा है और ये फाइनली यहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है। आईटी सेक्टर, अगेन आईटी सेक्टर जो है वो बेसिकली वो नैस्डेक, प्योर नैस्डेक प्ले है। तो अमेरिका में अगर नैस्डेक इंडेक्स है जो कि काफ़ी जो पूरे जो टेक स्टॉक है उनका जो इंडेक्स है, नैस्डेक कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं उसको, तो अगर अमेरिका में नैस्डेक चलता है तो इंडिया में आईटी चलता है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर भी काफ़ी कुछ दिनों से बिग रैली में है। उसके बाद रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें, सो रियलिटी सेक्टर भी बेसिकली यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये रिटेस्ट किया वापस, ये ऊपर अगर 1157 के ऊपर निकलता तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है रियलिटी सेक्टर में। कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात करें हम, तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। सर्विस सेक्टर जो हो गया ये भी ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा ऊपर अच्छा जा रहा है ये भी, ठीक है। ये लेवल से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, लेकिन ठीक है ये भी सेक्टर काफ़ी तेज़ी में है। उसके बाद अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, बट ड्यू टू एचडीएफसी का जो एक कंसर्निंग आया कि उसमें डिपॉजिट्स थोड़ा कम है, तो इसके लिए एचडीएफसी आप देखिएगा फ्राइडे के दिन 4% लुढ़क गया, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक्स भी ब्रेकआउट फेल हो गया प्राइवेट बैंक्स में। तो जो मुझे मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट सेक्टर्स जो हैं वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, सीपीएसई हो गया, एनर्जी हो गया, पीएसई हो गया, फार्मा हो गया। ये जो चार पांच सेक्टर है इन पे आपको फोकस होना चाहिए था, इनमें जो बेस्ट स्टॉक है उन पे आप फोकस करें। और मुझे लगता है कि बजट 23 जुलाई को आने वाला है, ठीक है, 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो बजट में देखेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा, मतलब कौन से सेक्टर पर ज़्यादा फोकस होता है गवर्नमेंट का। तो चलिए बजट के बाद भी एक काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिलेगा कि कौन से सेक्टर चलते हैं चलेंगे। तो ये तो बात हो गया हमारा, ऑयल एंड गैस हो गया, सीपीएसई हो गया, एनर्जी हो गया, आपको कौन कौन सा फोकस करना है हम बात करते हैं, ठीक है। आपको कौन कौन सा सेक्टर आपको देखना है नेक्स्ट वीक में, तो आपको निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर देखना है, सीपीएसई देखना है, एनर्जी देखना है, उसके बाद फार्मा देखना है और हेल्थ केयर देखना है, ठीक है। और उसके बाद एक पीएसई सेक्टर भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो पीएसई सेक्टर भी आप देख सकते हैं। तो ये तीन चार पाँच सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम में है, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक स्टॉक की बात करें हम, तो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक मैंने आपको पिछले एक वीडियो बनाया था, कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, कि उसमें मैं 25 स्टॉक का बात किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 25 स्टॉक मुझे अच्छे दिख रहे हैं कंसोलिडेशन में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अगर स्टॉक की बात करें हम, तो अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक आपको देखिए एक मैंने वॉच लिस्ट बना रखा है, तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो वॉच लिस्ट बना सकते हैं आप। अगर हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा खुल जाने दीजिए इसको, या सो ये खुल गया, ये धन का एप्लीकेशन है। सो ये आप देखिए, ये जो मैंने ये इतना वॉच लिस्ट बना रखा है, ये आप देखिए कि माइक्रो कैप का है, माइक्रो कैप 250 कंपनीज का है, मिड कैप 150 कंपनीज का है, और स्मॉल कैप 250 कंपनीज का है। तो ये सारे स्टॉक मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि ये सारे स्टॉक आप देखिए मैंने जो बताया था पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा ये ब्रेकआउट दिया है। देखिए आप ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छा, एनआईएल कंपनी है, यहाँ से ये स्टॉक कितना अच्छा ब्रेकआउट, कितना अच्छा मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा था फाइनली विद बिग वॉल्यूम में ब्रेकआउट दिया है। तो अभी तो ये लेना थोड़ा सा मुझे लगता है अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा ये रिट्रेस कर जाए उसके बाद ले सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टॉक हो गया, ये सब स्टॉक हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम वंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर की बात करें, ये भी स्टॉक मैंने ब्रेकआउट होने से पहले बताया था ये स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक मैंने ब्रेकआउट होने से पहले बताया था, आप देख लीजिएगा मेरा पुराना वीडियो जिसमें 25 स्टॉक मैंने डिस्कस किया, टॉप ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। मेरे डिस्कस करने के बाद ही ये क्या 11% बढ़ गया था। तो ये सब स्टॉक आप देख सकते हैं। तो स्टॉक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे टेक्सो रेल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसका भी मैंने डिस्कशन किया था, 7% अप हो गया। तो स्टॉक के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था, कि 25 स्टॉक जो कि काफ़ी बेस्ट दिख रहे हैं अभी, ठीक है। एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी खतरनाक स्टॉक मुझे लगा, बिकॉज ये अपने 2008 का जो ये लेवल है, ठीक है, 2008 का अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। उसका नाम है, उसका मैं आपको नाम दिखाता हूँ, ये स्टॉक मेरा, रुक जाइए, उसका मैं नाम आपको बताता हूँ, उसका नाम, नाम थोड़ा सा रुक जाइए,
या ये स्टॉक देखिए, अगर इसका मंथली चार्ट देखें हम, ये स्टॉक देख इसका अगर मंथली चार्ट देखें हम, या सो इसका मंथली चार्ट देखें तो ये स्टॉक कहाँ देखें कितना, और यही सब स्टॉक जबरदस्त मूव देते हैं, ठीक है। ये स्टॉक देखिए आप, ये स्टॉक कब से, इसका हाई पिछले बार कितना हाई लगा था, 1 जुलाई 2008 का, और फिर ये इसने हाई लगाया फ्राइडे को, राइट। तो देख रहे कितना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था, ये काफी लंबा मूव दे सकता है, बिकॉज जब भी कोई ब्रेकआउट 15 ईयर 16 ईयर का कंसोलिडेशन का बाद ब्रेकआउट देता है वो काफी अच्छा ब्रेकआउट होता है, राइट। सो यही सब हो गया, तो मैंने सेक्टर डिस्कस कर लिया। सेक्टर में आपको सीपीएसई, निफ्टी ऑयल एंड गैस हो गया, पीएसई हो गया, फार्मा हो गया, ये चार पांच सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और स्टॉक का मैंने बताया कि 25 स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया था जो कि कंसोलिडेट करें ब्रेकआउट देने के करीब है, और अच्छे ब्रेकआउट दिए भी फ्राइडे के दिन विथ गुड वॉल्यूम, तो वो जो है वो आप मेरा पुराना वीडियो, मैंने 2 दिन पहले रिलीज किया हुआ वीडियो को विथ 25 स्टॉक का, मैंने एक वॉच लिस्ट शेयर किया आपके साथ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।